आज तांकर जन्मवार रविवार रविवार रे जो माने सूर्य नारायण कर दर्शन करती समस्त शोक समस्त रोगरु मुक्ति पाई था। शरीर मध्य मन भितर मानसिक स्तर रे से शांति अनुभव करि था। तेणु सूर्यंकर दर्शन आज प्रत्येक व्यक्ति माने करि थांती। आमिष आदि भक्षण करिन थांती कारण प्रायतः सूर्य उपासक माने रविवार रे खौरा आदि होई न थांती, क्षीर बार होई न थांती, आमिष आदि भक्षण करिन न थांती। पर ई बारटी होची सूर्यंकर बार। सूर्य होचंती समस्त रोगर नाशक, रोगनाशक सूर्य। सूर्य देवतांक ठरु आरोग्य कामना प्रार्थना करा जाई था। पूर्व द्वार रे दुई पटे दुई पार्श्व देखुचंती दुई बेतवाड़ी धरिचंती सेवक तांकर भक्त मानक मस्तक रे स्पर्श करई देउचंती। से बेत माड़ बा बेत स्पर्श हेले ही पाप छाड़ी थाए। समस्त तांकर भक्तिर सहित भक्त माने प्रवेश करिबा भितरे प्रभु को दर्शन करिबार तांकर अभिलाष एकमात्र लक्ष्य रही थाए। प्रभु को आमे दर्शन करियो। दर्शन तो निश्चित जीवे करिवे तांकर प्रभुंकर परम आराध्य प्रभु जगन्नाथ को से दर्शन करेंगे। किंतु एपटे मध्य समुद्र कूल जो माने सूर्य को दर्शन करुँचे बा आमे जो माने सूर्य को दर्शन करुचे जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण कार्यक्रम आमे भी सूर्य को प्रणाम करवा, नमस्कार करवा, सूर्य ठार आरोग्य कामना करवा, प्रार्थना करवा। हे सूर्य नारायण शरीर मध्य कौन प्रकार रोग न आसू, से रोगनाशक तुम्हें समस्त रोगरू उद्धार कर। हे तुम्हें सकल शक्तिर उत्स हेउचंदी सूर्य नारायण। सकल शक्तिर उत्स सूर्यंकर किरण द्वारा जीवजगत जीवनी शक्ति लाभ करे। तांकर किरण न आसीबा पर्यंत जीवन शक्ति लाभ करवा संभवपर होई न थाए। सूर्य उपासना द्वारा मनुष्य रोग शोक विनाश होई थाए एवं रोग शोक विनाश हेबा सहित जो माने सूर्यंकर उपासना करंती, आराधना करंती, अष्ट ऐश्वर्य लाभ करि थांती। तेणु प्रत्येक मनुष्य निजर निज परिवार सुख समृद्धि कामना करि थाए। से सूर्यंक ठारू बा सूर्यंकर उपासना करि थाए, सूर्य को प्रणाम करि थाए। प्रत्येक परिवार मंगल सुख फेरी आसे। प्रत्येक परिवार रे कौन से प्रकार रोगग्रस्त की पीड़ित तो न थांती, हुवंती नहीं। सकल रोगर नाश करती सूर्य नारायण हेतु सूर्य को सी उपासना करि थाए। प्रत्येक मनुष्य आरोग्य कामना करि थांती। तेणु सूर्य को जितेबाला देखुंत सूर्यंकर उपासना संपर्क रे जदि कहिबे सूर्यंकर उपासना प्राचीन कालू सूर्यंकर देश रे प्रचलित होईची उपासना। रामायण युग कहतु किबा महाभारत युग कहतु प्रत्येक युग रे आमे जानिचे सूर्यंकर उपासना मध्य रही थाए। जो चलीची साई जातर परंपरा देखुले राम रावण लीला जो रावण बद्धर लीला जो राम आज रावण को बद्ध कर सक्षम होते से आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ पूर्वक सूर्यंकर उपासना ही करते। सूर्यंकर उपासना द्वारा से रावण को बद्ध कर सामर्थ्य से पाई। तेणु सूर्यंकर उपासना प्राचीन उपासना। सूर्यंक दर्शन मध्य अनेकांश फलप्रद आमको तांकर फलप्रद आमे पाई था सूर्यंक ठारू। तेणु विभिन्न पुराण मानकरे सूर्यंकर संपर्क सूर्य नारायण संपर्क वर्णना देखा मिलता है। से सूर्यंकर उपासक माने सूर्य को उपासना करिबार अनेक तांकर अनुभव करती। सूर्यंकर उपासना करिबा द्वारा आमे कौन फलप्रद हेउ एवं सूर्य नारायण हेउचंती नक्षत्र माघ सप्तमी ही तांकर माघ मास ही तांकर जन्म रविवार से जन्म ग्रहण करिथिले। तेणु तांकर नाम अन्य एक नाम होची रवि नारायण। रवि नारायण को उपासना मध्य सर्वे करिथांत। आज से सूर्यंकर दर्शन सहित आपण देखुचंती सूर्यंकर दर्शन होईची। सूर्य दर्शन परे पतित पावन नारायण कर दर्शन। जो पतित पावन नारायण को दर्शन करी केवल रही आपण कौन प्रभुंकर मंगल आरती दर्शन करने केतबेले प्रभु को प्रभु संपादित हो मंगल आरती दर्शन करेंगे भगवत प्राप्ति कृपा प्राप्ति हेबे कारण ईश्वर को तात्विक स्वरूप अलौकिक अटे परम रहस्यमय गृहतम अटे प्रभुंर से केवल जो मैंने पाई से जानती भगवान को पाइबा भगवान कृपा पाइबा जो मैंने पाई जाती से ही भगवान अनुभव करि थांती भगवान को मध्य कौन सी गुण नहीं से गुणातीत अटंती आम कही से गुणातीत भल मंद सकल गुण तांक मध्य अच्छी तांक मध्य केवल सद्गुण अच्छी दुर्गुण आदौ ना तेणु आदि पुरुष विष्णु सर्वसमर्थ सर्वगुण संपन्न अटंती सत्वगुणर मूर्ति अटंती सात्विक तेज प्रभाव सामर्थ्य विभूति आदि रे विभूषित होती भगवान शुद्ध सत्व ही तांकर स्वरूप अटे जो तत्व कथा भगवत तत्व कहते शुद्ध तत्व ही तांकर स्वरूप बोले आम कहीचे भगवान को स्वरूप को भगवान ही जानते जो अनंत नारायण कथा कौचे असीम अनंत सी सगुण निर्गुण तेणु भगवान को स्वरूप को भगवान ही जानती तत्वज्ञ लोके संकेत रूप से तांकर स्वरूप कियदंश वर्णना करिपारंती मात्र जहा किछि सेमाने वर्णन करती भगवान ताठू अधिक विचित्रमय अटंती से कह जाए रहस्यमय जगन्नाथ समस्त जगत भगवान एक अंश विद्यमान रही भगवान ही ये जगत रूप से अभिव्यक्त ही रही चराचर जगत परमात्मा सगुण स्वरूप जो जगत नहीं केवल परमात्मा ही विद्यमान ताही गुणातीत बोली कहा जाए भगवान कौन सी परिस्थिति जेकोसी समय जेकोसी स्थान जेकोसी रूपरे से प्रकटित हो पारती सर्वव्याप्त बोली कहा जाए से सबु स्थान से पहुँची जा पारती निराकार साकार उभय एक तत्व ही भगवान निराकार साकार उभय एक तत्व तेणु भगवान मन भितर भक्ति मन भितर श्रद्धा कारण एपरी अनेक भक्ति अच्छी यही भक्ति आप बोध हुए ईश्वर जो परम प्रेम रही ताही अमृत ताही भक्ति अटे जदि आम कहवा व्याकरण दृष्टि भक्तिर अर्थ सेवा कारण भक्ति जितेबले देखिए भजन करेंगे भक्तिर सहित करेंगे प्रेमपूर्वक भजन करेंगे श्रद्धापूर्वक भजन करेंगे भगवान कर कृपा लाभ करेंगे अपेक्षा करें आम समय आमको उपनीत करई पतित पावन देव नारायण मंगल आरती दर्शन प्रथम बंदापना अग्निर बंदापना जितेबले दर्शन करती ये प्रथम बंदापना मंगल आरती आमर समस्त परिवार संसार मंगल होता है तेणु संसार मंगल प्रार्थना करी प्रभुंर मंगल आरती दर्शन करवा दर्शन पर पुनश्च पुणी सूर्य नारायण दर्शन करी प्रभुंर पदारविंदे समर्पी जीवा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ प्रभुंकर मंगल आलतीर दर्शन पर मंगलमय ठाकुर को प्रार्थना कले प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भवेत्। कारण समस्ते सुखरे रहन्तु निरोग रुहन्तु। सुखदाता होउचन्ति प्रभु, निरोगदाता आरोग्यदाता होउचन्ति सूर्य नारायण। दी जनकर दर्शन आम प्राप्त होउचे जय जगन्नाथ टीवी रो सीधा प्रसारण कार्यक्रम आलतीर दर्शन करी। जो आलती होउची नामतांकर मंगल आलती, जने संसार रो मंगल पाई प्रभु चिंता करी थांती। निदर उठू उठू मंगल चिंता करिबा पाई तांकर स्वभाव। से जगतर मंगल प्रत्येक जीवजंतुंकर प्रत्येक प्राणींकर ए सकल जीवजगतर मंगल कामना करंती। एवं सूर्य देवता जो प्रकटित होइचंती आकाश मध्यरे उदय पर्व को आम दर्शन करुचे। सूर्यंकर मध्य से चराचर जीवजगत को तांकर आसी थांती केवल उद्धार करिबा पाई, निरोग रखिबा पाई, समस्त की सुख देवा पाई, शांति देवा पाई, समस्त मनरु शोक दूरे देवा पाई सूर्यंकर आविर्भाव। तेणु उभय दर्शन करी मन भितरे दिनटी आज मंगल करिवे मंगलमय ठाकुर ए प्रार्थना करिचे। कारण मंगल आलती प्रत्येक ब्राह्म मुहूर्त ही प्रभुंकर मंगल आलती तांकरी सम्मुख भागरे संपादन करी थांती संपृक्त सेवक माने। मंगल आलती साधारणतः देखिए रत्न सिंहासन चतुर्था विग्रहंकर बा श्री विग्रह मान उद्देश्य दुई थर आलती करा जाए, मंगल आलती संध्या आलती। किंतु प्रकृत पक्षे प्रभुंकर दिवस मध्य छ थर आलती ही था। मंगल आलती सहित आउरी समुदाय छतर आलती, मंगल आलती, सकाल धूप आलती जितेबाला प्रभुंकर तीन धूप हुए सकाल धूप मध्याह्न धूप संध्या धूप से आलती हुई थाए। से कहगला मंगल आलती सकाल धूप मध्याह्न धूप आलती संध्या आलती संध्या धूप आलती पौड़ा आलती। ये समस्त आलती को प्रत्येक संपृक्त सेवक था। मंगल आलती जी करेंगे सकाल धूप आलती सी करेंगे ना। कारण मंगल आलती भीतरच्छ महापात्र सहित पाया पुष्पालक मान द्वारा संपादित होता है। जितेबाला सकाल धूप आसी थाए पूजा पंडा सामंत पूजा पंडा मान द्वारा संपन्न होता है संपादित होता है। सेमती तीन धूपरे पूजा पंडा सेवकों द्वारा ये आलती संपन्न होता बेले मंगल आलती भीतरछंक द्वारा एवं पुष्पालक मान द्वारा ये भाव में संध्या आलती आसव। संध्या आलती संपृक्त सेवक माने प्रभु को पाखे संध्या आलती की संपन्न करी सुंदर भाव में पिला माने बसिचंती श्री समुद्र बाली रे स्नान करने उद्देश्य आसी सूर्य उदय दर्शन करने उद्देश्य आसी। समस्त उद्देश्य भिन्न भिन्न रही था एवं आउ देखुचंती से दर्शनार्थी समुद्र कूल रही सूर्यंकर उदय पर्वर फटो उत्तोलन करुँच विशाल समुद्र फटो उत्तोलन करुँच। किए नीरवतार सहित केवल बसी किए परस्पर मध्य आलोचना करुँच। समस्ते समस्त कर्म भितर रही कर्म तत्परता ही मन भितर आसी था। जी जो किसी कर्म करुए से कर्मर शक्ति ही प्रदान करती सूर्य नारायण। समस्त मन भितर कर्म भाव जोड़ी दे था। जितेबाला दिवस आसी जाए निद्रा छाड़ी जाए शज्या त्याग करती समस्त समस्त स्वस्व कर्म व्यस्त रहती। आउ कहीं सुप्त अवस्थार भाव को आणती ना। सूर्य आसीगला पुणी सूर्य गलापर आम सुप्त अवस्थार चिंता आसव। पशु पक्षी कीट पतंग मनीष समस्ते तांकर सुप्त अवस्था को पुनर्बार जाते जितेबाला सूर्यंकर अस्त जाते सूर्य आ दृश्यमान होती ना। तेना सूर्य को दर्शन करने प्रतिदिन सूर्य को दर्शन करने ये विधान रही था। भाव में दर्शन करेंगे किभली भाव में अर्घ्य प्रदान करेंगे, किभली भाव में सूर्य को नमस्कार करेंगे, किभली भाव में सूर्य को उपासना करेंगे, पूजन करेंगे। तेणु ये सब रही सूर्य को उपासना करने स्वतंत्र विधान रही है। जो माने भी सूर्य को उपासना करती प्रायतः लाली फूल सूर्य को प्रदान कले प्रसन्न होती सूर्य नारायण। तेणु सूर्य नारायण को पाई लाली फूल ही प्रदान करा जाई थाए, रक्त चंदन ही प्रदान करा जाई थाए, गुड़ मिश्रित नैवेद्य मध्य प्रदान करा जाई थाए, गुड़टी लाल। तेणु लाली रंग लाली वस्त्र परिधान करी सूर्य को उपासना कले बा पूजन कले निश्चित भाव में फलप्रद अधिका होता है। जड़े व्यक्ति समुद्र जल को निजर मस्तक सिंची एवं सांगे आसी अन्य मानक मुंडरे सिंचाई से प्रयास करूचंती। कूल को गले समुद्र तीर्थराज कूल को पहुँचवा क्षणी केवल पवित्रतार भाव ही सृष्टि होता है। जमीती हेले पाद टिके धोईदेबा हेले समुद्र जल को टिके मुंडरे छिंचीदेबा ये समस्तंकर से कूल ही गले जाग्रत हुए प्रकटित मन भितर आसी था समुद्र जल को टिके छिंची ही गले टिके शांति लगी थाए, पवित्रतार भाव जाग्रत होता है। स्वच्छता पवित्रता ही प्रथम जेते साधन मार्ग रही प्रति साधन मार्ग रे पवित्रता ही बजाय रखिबा पाई कि परामर्श दिया जाय वर्णित रही। मन पवित्र कहतु, स्थान पवित्र कहतु, आसन पवित्र कहतु, सबकि पवित्र करने पर ही क्रियाकर्म करा जाए। तेणु जितेबले भी उपचार देवता देव उपचार करा जाए प्रथम गोटे रही आसन शुद्धि, अर्थात जो आसन रे बसवे से आसन पवित्रता थिबा दरकार। शरीर शुद्धि, शरीर पवित्र थिबा, मन पवित्र थिबा, वस्त्र पवित्र थिबा दरकार। से निष्ठार सहित श्रद्धार सहित जहाँ करा जाए ताही भगवान ग्रहण कर जाते। पूर्वद्वार दर्शन आम करुचे, जो पूर्वद्वार दर्शन ही प्रमुख द्वार ही महाप्रभु प्रमुख द्वार टी पूर्वद्वार कर जो द्वार को आम कहीचे से द्वार हो धर्मर द्वार। धर्मर द्वार पूर्वद्वार को कहा जाए एवं धर्मर देवता मध्य पतित पावन निजे विराजमान करचंती। पूर्वद्वार गुमुट बोली कहा जाए। श्रीमंदिर शिल्पशास्त्र अनुमोदित जो मंदिर प्रत्येक अंश, कारण श्रीमंदिर भितर एभली गोटे गोटे स्थान अच्छी जो स्थानर शब्द शुणिले आपन को चकित लगे। तो सही स्थान मान ये हूँ पूर्वद्वार धर्मर द्वार बोली कहा जाए। धर्म देवता सत्यर देवता प्रभु निजे, धर्मर देवता सूर्य नारायण, सत्यर देवता प्रभु नारायण। तेणु नारायण सूर्य नारायण उभयंकर दर्शन प्रातः समय रे सुजोग महाप्रभु ही दे था। नारायण दर्शन प्राप्ति हे एवं सूर्य नारायण मध्य दर्शन प्राप्ति होता। आम समस्त प्रतिदिन ये दर्शन भाव नहीं दर्शन कर प्रभु दर्शन पर ही अनेक किसी जहाँ कार्य निस्वस्व कार्य को कर्म को समस्ते बाहरी था। अवकाश नीति प्रभुंकर हवापाई मंगल आरती परे बेसम अवकाश पूर्व मैलम जो वस्त्र बेश श्रृंगार होता गत रात्रि समस्त पुष्प अलंकार मान श्रीअंगे धारण कर प्रभु शयन जाता। जितेबले मैलम चली भक्त माने उपस्थित रही था, कारण संपूर्ण अवकाश बेश प्रभु को पूर्णांग शरीर दृश्यमान प्राप्ति होता। जितेबले पतित पावन को देखु, दारू विग्रह को देखु, अखंड टीए जलुची अखंड शिखारू भक्त माने नहीं तांकर मस्तक टिके लगौंती। देवतांकर मंदिर मानकरे दर्शन करने भितर किसी क्रिया करने को पड़ता है। दीपटे लगी कि दीपरू आलती टिके ग्रहण करवा, आलती संग्रह कर मस्तक लगेगा, ये अभ्यास गोटे स्वतः आसी जाता है। तेणु समस्त समस्त अभ्यास थिबा प्रणाम करथित पावन देव को प्रणाम कर पिंडी जो कह जाए पतित पावन कर पिंडी स्वतंत्र भाव से पतित पावन नारे आस्थान देखुंट जो आस्थान ऊपर ही प्रभु विराजमान गुमुट बोली कह जाए चारि द्वार चारि गुमुट दक्षिण द्वार गुमुट उत्तर द्वार गुमुट पश्चिम द्वार गुमुट पूर्व द्वार गुमुट ये मंदिर निर्माण मंदिर शिल्पशास्त्र ये परिभाषा कौटी गुमुट कह दधी नौती कह अणा बेढ़ा कह ये सब तांकर स्वतंत्र भाव रे नामित करा जाय थाए जेते बेले प्रत्येक वस्त्र को लागी करी सुरक्षित भाव से वस्त्र प्रभुंकर सब रखिए पुणे आजिर वस्त्र जो रंगर पीतबे से नूतन वस्त्र को आनी प्रभुंक पाखे से तांकर रखी प्रभु को लागी करवा समय जिते बड़ा आसी थाए वस्त्र श्रृंगार हम से वस्त्र निश्चित भाव श्रृंगार करेंगे तेणु समस्ते समस्त मन प्रभुंक पाखे सारा संसार भगवान का विस्तृत रूप एक भी आम स्वीकार करुचे मानुचे कि संसार भितर रही कि संसार भगवान को विस्तृत रूप बोली भगवान को व्यतीत आउ कि नहीं ए कथा को आम स्वीकार करुचे जो माने ईश्वर विश्वासी भगवत प्रेमी भगवान को विश्वास करते से कहे भगवान को व्यतीत आउ कि नहीं जहाँ करती करुचे सबू भगवान जड़े समर्पित हाथ दे पतित पावन को प्रणाम करुले आउ जड़े चतुर्थ विग्रह को दर्शन करने पर जो मैंने प्रत्यावर्तन करती सिंहद्वार बाटे से माने पुनश्च पतित पावन देव को टिके प्रणाम करी कारण ये भगवत सत्ता को अनुभव करने कृपा को अनुभव करने मन भितर गोटे शक्ति उत्पन्न होता है तेणु सी भावती संसार भितर रहिले संसार भगवान का स्वरूप भगवान का व्यतीत आउ किछि नाही भगवान स्वयं निज भितर जगत रूप से प्रकटित होइचंती एक कथा चिंताधारा आसे क्या भगवान ही स्वयं जगत मध्य परिपूर्ण भगवान ही जगतर समस्त प्राणी हृदय आत्मा रूप से विराजमान तेणु आम कहे प्रत्येक शरीर मध्य प्रत्येक जीव भितर प्रत्येक जीवन भितर परमात्मा सत्ता रही था भगवान ही समस्त प्राणी हृदय भितर रही था आत्मा रूप से विराजमान करता नाना प्रकार विचित्र भाव भगवान पदार्थ द्वंद्व देश काल आदि रूप से प्रकटित प्रकाशित भगवान अतएव जो पुरुष सर्वत्र निर्देश और सम रूप से भगवान को देखे से यथार्थ देखी थाए यथार्थ दर्शन नाम हूँ वास्तविक समता समता कौन जदि कहे समता संबंध रे आत्मा रे यही संबंध को सदा ध्यान रखी मनोवाणी शरीर द्वारा व्यवहार करिवार उचित व्यवहार रे बाहर उचित विषमता रहिले समता विषमता तेणु व्यवहार रे बाहर उचित विषमता रहिले मध्य आत्म दृष्टि कौन विषमता रहिबा उचित नुहे शरीर रे मस्तक पाद हाथ गोड़ मुख मलद्वार प्रत्येक अंग प्रत्यंग गठन रे समानकर क्रिया रे समानकर व्यवहार रे समानकर उपयोगिता रे सेमानक मधुर केतकर पवित्र बा अपवित्र रूप से अनेक विषमता रहिले मध्य शरीर रे सर्वत्र सम रूप से आत्मभाव होगा कारण मनुष्य से अंगर सुख दुख को समृद्धि देखी था एथिपाई सी निजर प्रत्येक अंग द्वारा प्रति अंगर पुष्टि रक्षा और सहायता सेगुड़िकर यथायोग्य व्यवहार करने स्वाभाविक ही सर्वदा प्रस्तुत रही था मस्तक कहतु चरण कहतु उदर कहतु उपस्थ कहतु कौन सी उच्च नीच अंगरे आघात लगे संभावना होगा मात्र के हाथ सर्वदा से रक्षा करने को प्रस्तुत रहे हाथ प्रस्तुत रही रक्षा करने गोड़े के कंटा पशी देखिए गोड़े जब भी कंटा पशी नजापाई कि आखि सतर्क रहे तेणु आखि देखी था कौटी कंटक रास्ता अच्छे प्रथम सतर्क कराए आखि कंटा जमी गोड़े न पशु तीक्षण दृष्टि सर्वदा रास्ता को देखुए आखि समस्ते निज निजर योग्यता अनुसार काम करते एतिर परस्पर मध्य उच्च नीच स्थान पद मध्य थाए किंतु सबू परस्पर संबंधित अटे। तेणु जेते बेले कर्म करुचंती कर्म जेकोसी कर्म करुचंती सुंदर भाव रे अनेक धर्म ग्रंथ आपण माने देखिथिबे पढुथिबे गीता भागवत पढुथिबे गीता श्रीमद् भगवत गीता कहितेले बा गीता कथा चिंता कले श्रीमद् भगवत गीता को जे पठन करबे अर्जुन एवं भगवान को संपर्क रे आमे जानिबा भगवान को संपर्क रे एवं अर्जुन को संपर्क आमे चिंता करबा दरकार अभ्यास करबा दरकार मध्य गीता पठन पाए। गीतार कहले हे अर्जुन जो पुरुष निजपरी सारा जगत रे एवं समस्त सुख दुख रे समरूपता देखे से श्रेष्ठ योगी बोली मन कराए। तेणु भगवान मुख निसृत वाणी जिते बड़े चिंता करिवे श्रीमद् भगवत गीता पढ़िवे आपणकर मनर समस्त द्वंद्व दूर हो जाए। द्वंद्व कारण जहा असत ता केबे रही नाई एवं जहा सत ताहा सदाबेले रही थाए। सबु समय सबु स्थान रे नित्य अखंड अबाधित रूपरे स्थित जे सर्वदा एक रस और सम जहार प्रकाश रे सारा जगत प्रकाशित जहार प्राण द्वारा समस्त ब्रह्मांड अनुप्राणित जहार सत्ता द्वारा समस्त चराचर सत्तावान जार प्रमाण रे समस्त प्रमाणित से होचंद प्रभु जगन्नाथ ताही सत्य तत्व अटे। सत्य कौन जेते बेले देखिबे सत्य अनुसंधान सत्यर देवता प्रभु सत्यर क्षेत्र सत्यर द्वार ही पूर्व द्वार बोली कहि जाबे। सत्य अन्वेषण करिवे सब स्थान रे सत्य वागला जे सब समय रे सब स्थान रे नित्य एवं अखंड अबाधित रूप रे स्थित खंडन होई न थाए अखंड अखंड रूपरे स्थित से सर्वदा गोटे रस सम जार प्रकाश रे सारा जगत प्रकाशित जार प्राण द्वारा समस्त ब्रह्मांड अनुप्राणित जार सत्ता द्वारा समस्त चराचर सत्तावान जार प्रमाण रे समस्ते प्रमाणित समस्त प्रमाणित ताही सत्य तत्व अटे। सत्य रे प्रतिष्ठित थिबा पुरुष ही प्रकृत संत एवं सेही भक्त से भगवान निकटतर ये सत्यर प्राप्ति पाई प्राणपणे प्रसन्न बा प्रयत्न करुवा पुरुष ही प्रकृत साधक भक्त कारण वस्तुतः से ही सत्य रे अनुष्ठित कर्म ही सत्कर्म यही सत्य द्वारा पवित्र होता बाणी ही सतशास्त्र यही सत्य समाहित आचार ही सदाचार यही सत्व द्वारा समन्वित धर्म ही सत धर्म सत्य द्वारा विकसित विवेक ही आत्मप्रकाश सत्य द्वारा पूर्ण जीवन ही दिव्य जीवन सत्य द्वारा समुदित सुख ही परम सुख। तेणु सत्य को सदाबे सत्य कथा जितेबाला कहे सत्य कहवा सत्य पथरे जीवा सत्य मार्गरे जीवा सत्य वचन कहवा सत्यवादी होगा जहा सत्य ताही धर्म आपण सत कहे सत्य को आधार करी बंचीबे आपण धार्मिक परायण बा धर्म परायण व्यक्ति धर्म करिबा दान धर्म कर्म जो करुचंती दान धर्म करिबे। तेणु जेते बेले सत्य केवल सत्य कहवा को चेष्टा करिबे ताटू बली धर्म आ किछि न थाए। तेणु जहा सत्य ताही धर्म जहा धर्म ताही प्रकाश जहा प्रकाश ताही सुख जहा असत्य ताही अधर्म जहा अधर्म ताही तम अंधकार एवं सही अंधकार तो दुख दुखरे जो माने थांती अंधार भीतर थांती। तेणु कहा गला सत्य सबु बेले सत्य सत्य ही से ही धर्म धर्म ही प्रकाश प्रकाश ही सुख जी सत्य कही थाए से सुखरे थाए मिथ्या कही थाए अंधारे थाए दुखरे थाए। तेणु सर्वदा पिला मानकु कहबा सत्य कहवा पाई सिखंतु सत्य कहवा द्वारा निर्भीक हेबे। गोटे मिछ कहवाई अनेक मिछ कहवाकू पड़ता है, शब्द संयोजना करने को पड़ता है। गोटे सत्य कहले निर्भीक भाव में कही था, कारण से धर्म सृष्टि धार्मिक भावना चेतना सृष्टि है मन भितर। जो माने धर्म सहित रहती से निर्भीक हो जाती, धर्म जो माने पालन करती से निर्भीक हुंती, धर्म को धारण करने से निर्भीक हुंती, कारण से सत्य था। से कहगला सत्य ही धर्म, धर्म ही प्रकाश, प्रकाश ही सुख। जिते असत्य को आसवे सत्य असत्य अच्छी, असत्य को आसिले असत्य ही अधर्म, अधर्म ही तम अंधकार, अंधकार ही पाप दुख। सत्य नित्य, सत्य ही नित्य विभु सनातन अमृत तत्व। यही लक्षण युक्त सत्य ही परमात्मा, परमात्मा ही सत्य। जो प्रभु को आमे उपासना करुचे दर्शन अभिलाष रखी व्याकुलता आसूची प्रभु को दर्शन करी, से भगवान दर्शन भगवान ही निजे सत्य स्वरूप। परमात्मा को प्राप्ति बा परमात्मा रूपी सत्य प्राप्ति सत्य द्वारा सत्य को सेवा करें ही होता है। यदि सत वचन कहते सत्य सतरे रही, आम लोकाचार्य कौचे मु सतरे अच्छी भगवान मो कथा विचार करी। जो मैंने कहती तू सतरे अच्छु जदि भगवान तो प्रति अच्छा, जोटी असत से भगवान रुहंती ना। असत्य बोली कहे जो अधर्म जोटी भगवान से रे सबु बेले अधर्म रु धर्म को आने भगवान चेष्टा करते, अंधार रु आलोक को आनी था, दुख रु सुख को आनी था। तेणु से असत्य न था, से सत्य था, सत्यवान बोली कहा जाए। सत्यवादी सत्यवान, सत्यर देवता। सत्य ही नित्य कहगला, सत्य ही नित्य से ही विभु सनातन अमृत तत्व। यही लक्षण युक्त सत्य ही परमात्मा। परमात्मा भगवान किए? परमात्मा होचंती विभु सनातन अमृत तत्व, सत्य ही नित्य बोली कहा जाए। सत्य रूप में परमात्मा को प्राप्ति, परमात्मा रूपी सत्य प्राप्ति सत्य द्वारा सत्य को सेवा करें होता है। सत्यर शक्ति द्वारा सत्य को पवित्र कराई, सत्य को लक्ष्य करी ही सबु समय रे सत्यर प्रयोग करवा उचित। सत्यर शक्ति स्वतंत्र शक्ति अच्छी। स्वतंत्र शक्ति कौन? आप सत्य कहते, आपण को जी जेते प्रकार प्रश्न कले भी सत्य अच्छा। आपण केवे भयभीत तो हेबे ना, निर्भीकतार सहित तो उत्तर दे था। निर्भीक भाव आसीता है सत्य कहले। असत्य मिछ कही, असत्य थे कि अधर्म करें, आपण निर्भीक हेबे, भयभीत हे। मन भितर भय थी, मन भितर भय रखिक आप अंधार भितर रही। तेणु सर्वदा कहा जाए सत्यर गोटे शक्ति रही, शक्ति द्वारा सत्य को पवित्र करिवे। सत्यर शक्ति द्वारा सत्य को पवित्र करके सत्य को लक्ष्य कर ही सबु समय सत्यर प्रयोग करवा उचित। यह ही सत्य द्वारा सत्यर सेवा अटे। सेवा जो कर सत्यर सेवा ही ये सबु शक्ति दियंती आद्याशक्ति। सर्वत्र व्याप्त सत्य को आम सत्य दृष्टि द्वारा देखिपर, सत्यर ज्ञान द्वारा आम से सत्य मुरली ध्वनि को शुणी पारिबा एवं सत्य द्वारा ही आमे से सत्यर सतत स्पर्श पाई पारिबा। तेणु आम निजर मन बुद्धि को प्रत्येक अंत बाह्य इंद्रिय को समुदाय शरीर को ये सत्यर अन्वेषण रे सत्यर सेवारे ही लगेवा उचित। ये संपर्क रखिबा उचित, सत्य सहित संपर्क रखिबा उचित, सत्य सहित संबंध रखिबा उचित। असत्य सहित तिक्त करने कथा, अधर्म सहित तिक्त करने कथा। सदा चिंतन रहिबो मु सत्य कहबी, सत पथरे सत्य पथरे जीवी। आमर जीवनर लक्ष्य जेते बेले सत्य प्रति रहिबो, सत्य ही आमे मन भितर रखिबा, सेते बेले आमर सबु प्राप्ति होई जीवो। सर्वशेष रे भगवान प्राप्ति होई जीवो। आमर जीवनर लक्ष्य सत्य हेउ, सत्य भगवानकर नाम सत्यवान आम कहीचे सत्य भगवानकर नाम। अतएव भगवान आमर एकमात्र ध्येय हुंतु। भगवान को व्यतीत आउ जदि किछि अछि तेबे ताहा सर्वथा असत अर्थात किछि भी नाही बोली स्वीकार करवा मानि नवा। जा नाही ताकु लक्ष्य कले व्यर्थ हो जाए, जा नाही ताकु लक्ष्य कले व्यर्थता व्यतीत आउ किछि मिलिबो नाही। बारंबार असफलता निराश कारण दुख अवश्य मिलिबो। जदि असत रे जीवे अधर्म रे जीवे निराश भाव आसीबो, असफलता आसीबो, सफलता आसीबो नाही। निराश कारण आपण दुख सर्वदा भोगुतिबे। एथिपाई भगवान भगवत विरहित अनित्य विषय मानकर पूर्ण ये अनित्य संसार को एवं संसार रे होतबा अनित्य जन्म को असुख सुख रहित बा दुखालय दुखपूर्ण कहिसन। एणु जो मनुष्य अनित्य असत्य विषय मान को सत सुखर साधन बुझी नित्य सत्य स्वरूप भगवान को भूली विषय साधन एवं विषय सेवन ही लगी रही है। से प्रतिक्षण निसार भवसागर पड़ गोटे पर गोटे दुखर भीषण तरंग उबुटुबु होता है, उबुटुबु होता है। बड़ दयनीय प्रकार विवश हो दुख सागर बुड़ी जाए, मृत्यु सुनिश्चित। ये सब कथा को बुझी बुद्धिमान पुरुष सत्य स्वरूप परमात्मा को ही परम सुख बुझिकी तांकु ही निजर मानी तांकु ही जीवन एकमात्र लक्ष्य कर शेषर आसू था। आम शेषर आसी था जिते सबुठ बुड़ीजे सबुठी हताश होते निराश होते से निश्चित होते सुनिश्चित होते भगवान को छड़ा कई ना। बुलिला परे दुख भोगिला परे भवसागर जंत्रणा भोगिला परे दयनीय अवस्था रहिला परे सेते बेले बुझिबे सत्य स्वरूप परमात्मा को एवं सत्य स्वरूप परमात्मा को ही परम सुख भाविबे जे तांको सी छड़ा आ संसार रे सुख के देई परिबे नै। तांको नाम छड़ा संसार रे आ कोनोसी पदार्थ वस्तु नाही जे एते आनंद दब सुख दब। सेते बेल को बुझिबे सेते बेल को आसी प्रभुकर शरणागति होती शरणापन्न होता। मनुष्यर लक्ष्य सुनिश्चित सुस्थिर हो गला पर लक्ष्य पर्यंत पहुँचवा मार्ग रे ता द्वारा सहजरे भूल हुए ना। जे भगवान को पाखे सुनिश्चित हो गला प्रभु को छड़ा आउ कई संसार नहांती। सुस्थिर मन अस्थिर मन नथिबो, सुस्थिर मन तार हो गला एकाग्रता आसीगला लक्ष्य आसीगला भगवान के प्रति से सहजरे भूल ता द्वारा हम ना। कारण लक्ष्यर नित्य स्मृति रही से स्वाभाविक रूपे बारंबार ये कथा को परीक्षा करूए जे मु ठीक बाटर अच्छी कि नहीं, मु ठीक बाटर अच्छी ना नहीं। एवं टिके मध्य विपरीत बा विकट मार्ग देखा मात्रे सावधानता सहित विपरीत मार्ग को त्याग कर दिए, विकट मार्ग रे निज को सुरक्षित कर आग को चले। ईश्वर विश्वासी माने जो माने सत्यवादी सत्य कही था भूल बाट को सी त्याग करदे जाणीजे। विवेक शक्ति तांकर काम दब, विवेक बुद्धि से खटेबे। तेणु से जाणीजे ना यहीटा भूल मार्ग ए कर्म भूल कर्म असत कर्म तेणु करवा अनुचित जोटा अनुचित से केबे करंती नहीं। ईश्वर विश्वासी माने जे भगवान को मानी सी जानीजे कौटा करवा उचित कौटा न करवा उचित। सदा सर्वदा आम भगवान का आश्रित भगवान का पदार बेदरे निजकू रखिथिबा। जो कहले मनुष्यर लक्ष्य सुनिश्चित सुस्थिर हो गला परे भगवान को पाए, परंतु यह तो सुदृढ़ लक्ष्यपथर स्थित हो जो माने मार्ग रे चलने को लगती। सुदृढ़ लक्ष्यपथर स्थित हो जो माने मार्ग रे चलने को लगती तांकरी कथा जो माने मार्ग रे चलवा आरंभ करना से जो माने ईश्वर विश्वासी तांकर दृढ़ भाव आसी था लक्ष्यपथर से पहुँचवाई तांकर कौन प्रकार आउ द्वंद्व न थाए। मत भगवान नहीं मो लक्ष्यस्थल में पहुँचेबे दृढ़तार सहित से मन भितर रखते तेणु पहुँची जाते। जो माने मार्ग रे चलवा आरंभ करना जो माने खूब कम आग को जाई सावधान सतर्कता कौन से बड़ सावधानता सहित लक्ष्य को रक्षा कर सत्यपूत विहित मार्ग रे चलवार आवश्यकता रही। सत्य ही सब बेले सत्य। मनुष्य प्रथमे गंतव्य स्थान स्थिर करे तापर चालिकी जाए चलवा पर चली पारी मध्य से निजुक से लक्ष्यस्थल में पहुँचब जो गंतव्य स्थान को से स्थिर कर प्रथमे कौन करिबा ना गंतव्य स्थान स्थिर करे एवं तापर चाली मध्य जाए परंतु रास्ता रे साथी मानक कथारे पड़ी लक्ष्य को भूली जाए। जोटा सिद्धांत तो नहीं थे लक्ष्य रखि लक्ष्यभ्रष्ट होती कुसंग द्वारा सतसंग द्वारा केवे लक्ष्यभ्रष्ट हेबेनि लक्ष्यस्थल में पहुँचे लक्ष्यस्थल रखि ठीक लक्ष्य पथरे जाउतबे ठीक यदि बाधक साजिले संघ आसला कुसंग आसला से बाधक साजिबे आपण लक्ष्यस्थल में पहुँची पारती ना भूली जाती सब फल तो बाट भूली सबकिछ भूलीगला लक्ष्यस्थल आपण उद्दिष्ट हेनी पहुँची पारे ना। तेणु भगवान को ईश्वर विश्वास भगवान को ठारे लय जो माने रखि था निश्चित भाव में कौन सी जीवनर किसी पातु न पातु श्रृंखलित शांति जीवन यापन काटी था शांति से रही था। प्रत्येक शांतिर मार्ग जोड़िए रही था अशांतिर मार्ग शांतिर मार्ग जो माने किसी असत कार्य करेंगे अधर्म करेंगे अशांतिर मार्ग रे से रही थे जो माने सत कार्य कर सत्कर्म कर शांतिर मार्ग रे रही था। मार्ग आम हाथ को मार्ग रे जीवा से कथा आम हाथ असत कार्य करवा असत्य कहवा अधर्म करवा निश्चित भाव आम शांति मार्ग स्पर्श कर पारिबा नहीं शांति मार्ग को आम जाइपारिबा नहीं जे पर्यंत असत को त्याग न करिचे जे पर्यंत मिथ्या को त्याग न करिचे जे पर्यंत अधर्म को त्याग न करिचे शांतिर मार्ग आम पाइबानी धर्मर मार्ग पाइबानी धर्मर देवता को पाइबानी लक्ष्यस्थल गंतव्य स्थल में पहुँचवा संभवपर ही नए असंभव हो जाए अर्थात मनुष्य जीवनर लक्ष्य सार्थकता मिल पारि नए। जगत को रचना करिथिबा ईश्वर जो माने देखिए सत विचार द्वारा सत्य सेवन करते सत विचार द्वारा सत्य सेवन जगत को रचना करथिबा ईश्वर कहीं ना संसार ईश्वरीय सत्य रहित ये ईश्वरीय सत्य रहित ईश्वर ब्रह्मांडमय जो कही आम ब्रह्ममय ये जगत रे जन्म ही सब प्रकार मौज मजलिस कहवा उचित शरीर को आराम भिन्न भिन्न प्रकार इंद्रिय मान को तृप्त कर पारुवा भोग सर्वत्र विस्तारित नाम कीर्ति ये सब तो एठाकार आनंद शरीर रे भरपूर शक्ति रहू सबू लोक आम कथा मानतु भोग उपभोग आम केवे जेपरी शक्ति नहबा से पौष्टिक भोजन तथा शक्तिवर्धक आम औषधीय मान सेवन करने को पछौ न हो किंतु सुख आनंद प्राप्ति हेबा पाई केतेबेले सुख और आनंद प्राप्ति हेबा से सुख आनंद प्राप्ति किए देबे सुखदाता होउछन्ति प्रभु जगन्नाथ आनंददाता होउछन्ति प्रभु जगन्नाथ अखंड आनंद ये विश्वास जार अछि से द्वारस्थ हिजिबे प्रभुकर द्वारस्थ प्रभुको सत्ता को अंतर भीतर रखि देबे जेतेबेले प्रभुको सत्ता अंतर भीतर रहिबो सेतेबेले आपे आपे संसार दृश्य आपण तुच्छ करदेवे संसार ठू केते बेले आपण तुच्छ कर दियंती जेतेबेले आखि बंद करी आपण ध्यानस्थ हेई थांती प्रभुको पाखरे जो माने प्रभुको सम्मुख को आसीचंती देखंतु केते जण आखि बंद करी एमती ठिया दे अर्थात ए जो मिच्छ माया संसार रो दृश्य पडिले माया आम आखि आगे रहे से माया स्पर्श न करिबा पई आखि द्वारा माया आसे आम आखि के अंतर चक्षु को देखिबा अंतर्चक्षुरे देखिबा पई चर्मचक्षु को बंद कर दो आखि बंद करदेले परमात्मा सहित संबंध आसी जाए कहीं आसब आखि खोलिले कौन आसबनी आखि खोलिले आसबी साधना करते आखि खोलिले आसबी जदि साधना आपण करेंगे आखि खोलिकी भी से साधना कले नाम कीर्तन भजन करवा दरकार नहीं। प्रकृत भक्त जी ताकू भजन कीर्तन करने आवश्यकता पड़ी न थाए स्वतः शरीर मध्य भजन कीर्तन होता है। सेमती जिते बड़े आपड़ कहे कौन सी कार्य करने को जाती कि भक्तिर भाव आपण मन भर अच्छी से भक्ति भाव द्वारा आपण रही किंतु संसार किसी माया बाधक साजी चाहती संसार माया बोली कहुए संसार बाधक साजी चाहती लोभ आसक्ति मोह ये सब रही थाए से बाधक साजी चाहती जद्वारा आम ईश्वर आनंदर ईश्वर मार्गर टी विच्युत होता ईश्वर सम्मुखर टी विमुख होता माया प्रवेश करें तेणु तो जिते प्रभु पाखक जाऊ प्रभु एकमात्र आपण ए संसार रे आसी संसार रे जहाँ देखिली सबू मिछ आखि बंद कर दिखती आखि बंद करदे अर्थ प्रभु सहित प्रभु रूप स्वरूप को ध्यानस्थ करवा आउ कि दृश्य देखा ना आखि खोलिले आउ कि दृश्य आसब ना केवल प्रभु आसी था कारण प्रभु रूप स्वरूप को आखि आगे मन भीतर हृदय भीतर रखि था तेणु आखि बंद करदे सहज सरल उपाय प्रभु सहित आम संबंध संपर्क रही जाए आनंद मिल जाए तृप्ति मिल जाए शांति मिल जाए किसी समय आखि बंद कर आम बसिले कहती नीरवतार सहित किसी समय आखि बंद कर बसिले एकाग्रता आसी जाए आनंद आसी जाए शांति आसी जाए सबकि प्राप्ति होवार शक्ति आसी जाए मनोबल आसी जाए जहाँ को कहते आत्मविश्वास विश्वास पुणी आत्मविश्वास आसीगले आपण सिद्धांत पहुँची जाते से आत्मविश्वास को आने आमको प्राणायाम योग इत्यादि करुचे मनोबल को वृद्धि करने मनोबल को टाण करने मनोबल को सुदृढ़ करने की आमे किसी प्राणायाम किसी योग एवं किसी शारीरिक व्यायाम शरीर शरीर प्रति शारीरिक व्यायाम कले मनोबल बढ़ी था से मानसिक स्तर रे मन को दृढ़ करिवार जो शक्ति आपे आपे आसी था एकाग्रता गोटे स्थान रे नीरवता बसिले तेणु आखि बंद करदे सबकिछि पाइबा। आमे भी लोकाचार रे कहिछे तू कहीं से गुड़ाक देखु तू आखि बंद करदे लोकाचार कथार कहीचे अन्न जड़े आसी दुख कह भाई मत एमती लगुच एमती मत मो सहित हो अरे तू कहीं से गुड़ा देखु तू से प्रति नजर कहीं दौ तू आखि बंद करके बस अरे आखि बंद करके बस माने आखि बंद हो गले प्रभु ही आसबे ये भावना ये साधना करवा दरकार प्रभु मो आखि बंद करिछि केवल आपण को देखिबा पाई आपण को रूप स्वरूप मो आखि आग को आसु ये कृपा करतु मते तेणु भगवान का पाखे प्रार्थना व्याकुलता प्रकटित करने कथा प्रकाशित करने कथा जेपर्यंत व्याकुलता मन भीतर न आसी कर जेकोसी कार्य कार्य गोटे करेंगे कार्य प्रति व्याकुलता आसो ताल से कार्यर सफलता से कार्यर पूर्णांग आपण प्राप्ति हेबे। जेकोसी लक्ष्य गंतव्य स्थल को जाउचंती से गंतव्य स्थल को न पहुँचवा पर्यंत मनरे व्याकुलता आसवा दरकार व्याकुलता आसिले ही जिते व्याकुलता आसब सेते बाधक मान सब हटिजी लक्ष्य दृढ़ हो सुदृढ़ हो लक्ष्य स्थल आपणकर आउ कौन प्रकार बाधक आसबनी आपण व्याकुलता जो व्याकुलता न आसला पर्यंत अनेक बाधक आसीज तेणु प्रभु दर्शन करेंगे व्याकुलता भगवत प्राप्ति होगा को मनर व्याकुलता प्रथम से व्याकुलता आसिले प्रभु कृपा करुणा करेपर्यंत व्याकुलता नहीं से पर्यंत आपण पहुँचवा कष्टकर हो पारि था तेणु भगवान द्वारा आज भक्तर दर्शन व्याकुलता देख जो व्याकुलता कथे कथा हो जो व्यक्ति मैंने आज प्रवेश करुँच प्रभुकर पूर्वद्वार सिंहद्वार जो माने प्रवेश करुँचर व्याकुलता जो माने गोड़ धोइबा को आसुच्चर व्याकुलता देखो स्थिर कार समस्त अस्थिर केवल प्रभु को दर्शन करने किंतु मन तांकर सुस्थिर रही प्रभु को दर्शन पाइबे बोली मन सुस्थिर प्रभु को दर्शन करिवे। तेणु आसंतु से प्रभुंकर दर्शन प्रति व्याकुलता रहू, सत्य कहवा प्रति व्याकुलता रहू, साधन रहू, असत्य को त्याग करिवा पाई संकल्प रहू ना, असत्य को त्याग करी प्रथमे संकल्प आणु मु सत्य असत्य कहिबि नाही, असत्य असत कर्म करिबि नाही, असत संग करिबि नाही, संकल्प त्याग करंतु तापरे सत्य मार्ग रे आपण आपे आपे आसी जिवे। सत्य मार्ग को आसीबा अपेक्षा असत्य को त्याग करदेले सत्य ही आसी जिवो। सत्य को पाइबा को चेष्टा करबा अपेक्षा असत्य को आग त्याग करंतु सत्य आपे आपे आसीबो। सत्यवानकर कृपा मिलिबो, सत्यवादींकर करुणा मिलिबो, प्रभुंकर दर्शन मिलिबो, सब किछि प्राप्ति सत्य रु हेइताए। भक्त बंधु आसंतु प्रातः समयर सूर्य उदय द्वारपीठा दर्शन मंगल आरती ए समस्त दर्शन प्राप्त परे आमर तत्वभित्तिक विद्वान पंडित मानकर व्याख्या मध्य आज अछि। निश्चित भाव रे तांक मुखरु निश्चित धारा विवरणी से अमृतर बाणी भक्तिर परिवेश सृष्टि करिवे विद्वान पंडित माने। से तथ्य को जीवा पूर्व प्रभुंकर भक्तिर संगीत गोटे श्रवण करवा कंठशिल्पी श्रीमती नमिता अग्रवाल मामकर कंठरे तापर तथ्य तत्व को प्रवेश कर प्रभु को अनुभव करवा संकल्प नवा सत्य पथरे जीवा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।